Please give an energetic and warm welcome to the one and only, Ankur Varikusar. Sir, how are you doing? <laughs> so good to meet you. अक्सर जब एयरपोर्ट पे या कभी भी बाहर मॉल पे लोग आते हैं और बहुत विनम्रता से बोलते हैं कि सर आपको वीडियोस पे देखा है बट आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे वीडियोस पे देखते हैं तो आज मुझे पता तो चला कि उनका एहसास कैसा होता है क्योंकि मैं इतने सालों से आपके वीडियोज देखता आ रहा हूँ हाँ. एंड कभी भी यकीन नहीं था कि आपके सामने बैठूंगा सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट्स माय 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 प्लेजर प्लेजर एंड एंड ऑनर अंकुर जी जो बोलते हैं

मैं एक्साइटेड तो थी लेकिन अंकुर सर का नाम सुन के सुनकर ट्रिपल एक्साइटमेंट हो होगी थैंक यू सो मच एंड सर माय क्वेश्चन इज अराउंड फोकस आप दोनों से ही क्वेश्चन है लाइक जैसे अभी क्या है एक जॉब चल रहा है एक डिजिटल बिजनेस चल रहा है और एक स्टार्टअप आइडिया चल रहा है बैकग्राउंड में और अपना यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट करने का चल रहा है तो फोकस और एनर्जी कहाँ डालें क्योंकि पाँच साल बाद हो सकता है ये पैरामीटर्स चेंज हो जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर फोकस रखना चाहिए लाइफ में मतलब किस टाइम पर एक बार वोटिंग कर ले फटाफट फड़ से क्या कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए मैं अपने तजुर्बे से ही आंसर दे पाऊंगा मेरे हिसाब से फोकस की तीन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं नंबर एक हम अक्सर ये बोलते हैं कि मैं जिस चीज पे फोकस करूं उस सवाल का जवाब मुझे पहले पता होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि उस सवाल का जवाब आपको उस चीज को करने के बाद पता चलता है जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे अपने जॉब में अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, स्टार्टअप आइडियाज़ पे, जब आप वो पूरा प्रोसेस कर लेंगे तब आपको पता चलेगा यार इस चीज़ पे फोकस करके ना ज्यादा आउटकम निकल रहा है इस चीज पे इतना वक्त डाल के मुझे और ज्यादा उसमें एक आउटकम पता चल रहा है सो दिस इज वेयर आई शुड फोकस बट इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल चौबीस घंटे ही हैं तो वक्त तो उतना ही है कैसे डालेंगे इसमें मेरा जो तजुर्बा है एंड दिस रियली वर्क फॉर मी अपने दिन की शुरुआत आपको उन चीजों से करनी होंगी जिससे आपको एनर्जी मिलती है यह दूसरी चीज है वो चीजें करनी है जब भी जरूरत हो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी ताकि आप उस चीजों पर एनर्जी खर्च पाए तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपने दिन को ऐसे नहीं बिताना है कि यार ये वक्त ना फ्री है क्योंकि वक्त फ्री नहीं होता है वक्त का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है जो हमें बहुत बाद में ही पता चलता है तो व्हाट आई डू एंड इट वर्क रियली वेल आठवीं या नौवीं कक्षा में मैंने अपने वक्त को नोट करना शुरू किया कि मैं हर एक घंटा अपनी जिंदगी का किस चीज़ पे बिताता हूँ और एट द एंड ऑफ द डे क्या उस खर्चे पे मैं खुश महसूस करता हूँ या नहीं एंड आई डिड दैट टिल आई वाज 26 तो करीब तेरह साल तक हर एक घंटा मेरी जिंदगी का रिकॉर्डेड था मैं एक नोटबुक पे लिखता था फॉर्चुनेटली उस नोटबुक को दीमक ने खा लिया तो मैं पूछने वाला था मैं मैंने वाले, वो नोटबुक है क्या पास में खा लिया बट थैंकफुली जब <laughs> मैं आई एस बी गया था तो मैं नोटबुक <laughs> से एक्सेल एक्सेल शीट शीट पे मूव हो गया तो तो <laughs> वो शीट है मेरे पास तो अगर आप मुझसे ये दो हजार पांच में सत्ताईस मई को सात बजे शाम को आप क्या कर रहे थे मुझे एग्जैक्टली exactly पता है आपको ना अपनी वक्त की कदर महसूस होनी शुरू होती है कि आपका वक्त जाता कहां है क्यों जाता है और उसकी वजह से आपको कैसा महसूस होता है अक्सर ना और मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं आपको क्या लगता है कि आप चलिए मैं आज आप सबसे पूछता हूं आपको क्या लगता है कि आप अपने फोन पे रोज कितना वक्त बिताते हैं किसको इस सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पता है मिनटों में नहीं घंटों में ले लेते हैं अपने फोन पे आप कितना वक्त बिताते हैं ट्वेंटी परसेंट लोग ठीक है बाकी लोगों को पता नहीं है कि बोलना नहीं चाहते पता, पता ही नहीं है राइट आई गारंटी यू कि अगर मैं आपसे बोलूंगा ना कि एस्टिमेट करिए तो आप लोग बोलेंगे दो घंटा तीन घंटा वाकई में नंबर कितना होगा तो मतलब तो लोग दस तो ऐसे बोल रहे हैं लाइक घंटे तो ले लो सर एंड दैट इज वॉट हमें लगता है यार really तो है चलते 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 रहे चलते रहे चलते रहे पता चला घंटा बीत गया दो घंटे बीत गए फिर हम बोले यार वक्त ही नहीं था मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं वो काम भी करना था वो भी नहीं हुआ मम्मी भी डांट रही है खाना भी नहीं खाया है तो अपने वक्त की कदर करनी जरूरी है दीज थ्री थिंग्स डू नॉट थिंक कि फोकस पहले आना चाहिए काम करने के बाद पता चलेगा कि कहां फोकस करना है दूसरा किसी भी चीज को एनर्जी देने से पहले अपने खुद को एनर्जी दीजिए और तीसरा अपने वक्त की ऐसी कदर करिए कि आप एक्यूरेटली जानते हैं कि आप अपना वक्त कहां बिता रहे हैं क्यों बिता रहे हैं उसकी वजह से आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये करेंगे ना और सिर्फ दस दिन करिए आई गारंटी यू यू विल बी अ चेंज पर्सन और मेरा भी एक सवाल आपके कितने लोग हाँ, है जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं हाथ उठाइए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्लीज जैसे सुबह मैं उठता हूँ सात बजे के आसपास फिर उसके बाद में मैं डेली कम से कम दो घंटे अपने साथ में अकेले में वक्त बिताता हूँ जिसमें मेरा मेडिटेशन का टाइम है जिसमें योगा है जिसमें मेरे घर पे एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है वहां पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लिया देख के लगता नहीं है लेकिन करता हूँ <laughs> ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जरूरी नहीं है हर एक के बॉडी बन जाए जिम करने के बाद <laughs> अरे पहले से बढ़िया हो गया थैंक यू सर ऐसे ही जैसे सुबह का दो घंटा है ऐसे इवनिंग में मेरा दो घंटा होता है जिसमें मैं अकेले में बैठता हूँ या तो कुछ कंटेपलेशन करता हूँ बुक्स वगैरह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप से ही सही तरह के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आराम से समझता हूँ उसको हर पर्सपेक्टिव से जो भी मैंने किया जो भी सही किया गलत किया वट तो एक तो ये हो गया सुबह का और इवनिंग का शेड्यूल बाकी दिन में, में मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है क्योंकि ऑफिस में भी मेरे को सारा देखना होता है वहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम है ये सेशंस हैं प्लस वीकेंड जो होते हैं मेरे वो मेरी फैमिली के लिए होते हैं बस हो गया आई थिंक <laughs> ऑब्जर्वेशन विच इज सो इम्पोर्टेंट कि आप, आप सर सोते हैं कितनी देर है करीब करीब मैं सोता हूँ आठ घंटे चौबीस में से आठ सोलह घंटे बचे उस सोलह में से चार घंटे ये अपने लिए रखते हैं दिन का ट्वेंटी फाइव परसेंट संदीप जी सिर्फ अपने लिए रखते हैं किसी और के लिए नहीं लेकिन बिकॉज ही डज दैट उनके पास वो एनर्जी है कि वो हम सब लोगों के साथ वो बाकी का सेवेंटी फाइव परसेंट इस एनर्जी के साथ देते हैं आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ उसके अलावा और भी नए नए आइडियाज आ जाते हैं उस पर भी काम करना है तो दिन में टाइम तो लिमिटेड है तो हम इतनी सारी चीजें कैसे करें तो पहले तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि अगर चार चीज़ें आप एक साथ में कर रहे हैं तो उसमें नंबर वन पे क्या है नंबर टू पे क्या है नंबर थ्री पे क्या है नंबर फोर पे क्या है और जैसे सर ने कहा कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे नहीं करना है जब आप उन चारों चीजों को ट्राई करोगे तब आपको क्लियर होगा हो, हो सकता है जो अभी नंबर थ्री पे है वो आपको लगे नंबर वन पे आ गया और जो नंबर वन पे है वो नंबर फोर पे चला गया है ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार नंबर टू आप क्या कर सकते हैं कि अगर मानिए आप दो या तीन काम एक साथ भी कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं आई डू अ अलॉर ऑफ मल्टीटास्किंग लाइफ में मानिए एट अ टाइम आप दो तीन चीजें एक साथ भी कर रहे हैं तो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स उसको ये रखिए अपने माइंड में एक बड़ी विजन रखिए उस बड़ी विजन से इन सब कामों को कनेक्ट कर दीजिए दैट इज द वे इन विच यू कैन क्रिएट ऑर्डर इन योर माइंड यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है उन लोगों में जो कुछ बड़ा कर जाते हैं या जो आप कर रहे हो उसका कनेक्शन आपस में कैसे बन रहा है ब्लॉक्स की तरह देखो जो भी आप अलग अलग काम कर रहे हो उसको पहला एक काम किया वो एक ब्लॉक हो गया फिर अब एक दूसरा ब्लॉक हो गया फिर तीसरा ब्लॉक हो गया धीरे धीरे सीढ़ियां बनती चली जा रही है आप इसके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो इस तरह से अगर सोचोगे लाइफ में तो धीरे धीरे जो भी आप करोगे फिर चाहे वहां पर सक्सेसफुल हुए हो चाहे फेल हुए हो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा उस बड़ी विजन से और एक दिन आप देखोगे कि वो सब कनेक्ट होकर के कुछ बड़ा कमाल का हो रहा है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो छोटे लेवल से शुरू हो और बहुत बड़े लेवल तक जा सके आज के टाइम को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कि भैया जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा एक बिजनेस शुरू हो जाए फिर हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएं दैट्स एक्चुअली द रोंग स्टार्ट क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि आपको पहले एक ऐसा आइडिया मिलेगा फिर उसके बाद मैं मेहनत करना शुरू करूंगा उसको समझने की कोशिश करूंगा उसको अपने तजुर्बे से बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा दैट्स द रोंग स्टार्ट मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं इतने अच्छे से करता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं यार मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है ये लेकिन तुम बड़ी आसानी से कर लेते हो वो चीज ना आपके तजुर्बे आपके एक्सपीरियंस आपकी फितरत से सबसे क्लोज है एंड दैट मे बी योर सुपर पावर उस चीज में आपको घुस जाना है और उसमें सिर्फ वक्त लगेगा दोस्त छ महीने बारह महीने एक साल दो साल वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएगा जहां इस सवाल की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आप डाल चुके होंगे उसके बाद शायद लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे बहुत सारे और लोग आप पे विश्वास करके आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे तो एक ऑन्ट्रप्रनोर के लिए कभी भी पैसा सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं होता है उन्हें पता है कि आइडिया अपनी मेहनत टीम तजुर्बा ठोकरे खाकर उससे सीख पाना दैट इज दी ओनली वे टू लर्न और ये सब चीजों में वक्त लगता है दोस्त वक्त लगेगा तो जिंदगी में सही चीज पाने के लिए कभी भी जल्दबाजी मत करना एंड दिस पर्सन राइट हियर इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कितने साल से यूट्यूब चला रहे हैं जब लोगों को यूट्यूब पता भी नहीं था पता भी नहीं था और ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस भी चला चुके हैं कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की मुझे लगता मुझे, है जरूरत सालो -सालो तक शायद कोई नहीं मिली होगी किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है कौन है संदीप महेश्वरी क्या करते हैं आप जैसे लोगों को अगर जबरदस्ती भी नीचे मॉल से बुलाने की कोशिश करेंगे यार मेरा शो चल रहा है आ जाओ एक इंसान नहीं आएगा शायद आप सब लोग आज सड़प रहे आने के लिए इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगी इसलिए पैसा नहीं लगा ये सब तो अभी बहुत बाद में आया है। सिर्फ सिर्फ मेहनत वक्त एंड अपने ऊपर विश्वास दैट बी माय आंसर क्या दो तरीके अप्रोच हो सकती है बिजनेस करने की एक जिसकी आपने बात करी कि कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो बिना पैसे के शुरू हो सके हाँ ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं यूट्यूब पे जाओ चैनल खोलो मोबाइल फोन आपके पास में है कोई पैसे नहीं लग रहे हैं टाइम लग रहा है सिंपल पैसे तो नहीं लगते ना फ्री है ना अगर चल गया तो पैसे आएंगे नहीं तो जेब से कोई पैसा नहीं लग रहा है टाइम लग रहा है तो ऐसे एक नहीं है ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं बट दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट जैसा कि इन्होंने कहा राइट अप्रोच ये होनी चाहिए या दूसरी जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है एक सही अप्रोच है एक बिजनेस को करने की वो ये होनी चाहिए कि आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना है और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए यह आपकी प्रॉब्लम है ना इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है इससे मुझे क्या मतलब है औरों को क्या मतलब है आपके साथ वाले को क्या मतलब है आपको कोई मतलब है देख लो कह रहे नहीं <laughs> इनको मतलब किससे है कि जो आप करने वाले हो उससे इनकी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है क्या आप इनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो ध्यान अपना अपनी प्रॉब्लम से हटा लो अगर ऑन्टरप्रीनियोरशिप में आगे बढ़ना है तो अपना सारा ध्यान लगाओ जो इस दुनिया में प्रॉब्लम है उसकी तरफ फिर देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है उससे क्या कनेक्ट होता है क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज है आपका क्या बैकग्राउंड है क्या क्वालिफिकेशन है क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो क्या आपका पैशन है बहुत सारे फैक्टर्स है ये हो गया आपके एंड पे ये हो गया आपके रिसोर्सेज एक है दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा है जहां पर जाकर के दोनों चीजें मिल रही हैं

एंड वट इफ दे फेल्ड अगर आप नहीं कर पाए उन्हें पर्टिकुलर टाइम में अकॉम्प्लिश तो आप क्या करेंगे हाउ यू मूव फॉरवर्ड बिकॉज आपने ऑलरेडी बैड डिसीजन ले चुके हैं एंड इट फेल्ड सो वी एंटर इंटू अ पैनिक सिचुएशन कि आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करें मेरा एक गोल का डेफिनेशन है जो मैं अक्सर अपनी जिंदगी के लिए यूज़ करता हूँ गोल में टू पार्ट्स होते हैं एक होता है कि डेस्टिनेशन आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और एक होता है वक्त कि कब तक पहुँचना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि गोल क्या होना चाहिए हमें नहीं पता होता डेस्टिनेशन अक्सर एक अरमान होता है हम यहां पहुंचना चाहते हैं जैसे हम बोलते हैं कि 25 तक ना अपनी गाड़ी होनी चाहिए 30 तक अपना घर होना चाहिए और उसको फिर हम एक गोल बना देते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि वो हमारी एक इच्छा था हमारा एक अरमान था एंड फिर हम जबरदस्ती उसमें ना एक वक्त की पाबंदी डाल देते हैं पच्चीस तक होना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर सत्ताईस में आपकी गाड़ी आ गई तो आप फेलियर हैं ऐसा नहीं है कि आपने तीस तक अपना घर पाने की कोशिश करी लेकिन अगर इकतीस में घर मिला तो बोले यार जिंदगी में कुछ किया ही नहीं ये तो बर्बाद ही हो गए नथिंग ऑफ दैट इज ट्रू लेकिन हम जबरदस्ती अपने ऊपर एक डेस्टिनेशन और एक वक्त डालते हैं दिस इज नॉट एटलीस्ट हाउ आई वुड थिंक अबाउट दैट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि यू हैव टू बी विद एक्शन इसका मतलब जो भी आपको करना है जो आपको पता है कि आपको करना है उसके लिए आप एकदम बेसब्री से काम करेंगे इट be लाइक like, मुझे पता है कि ये आज मुझे करना है तो मैं ये करके ही रहूंगा ये कल तक नहीं डालूंगा क्योंकि ये मेरी impatience है बट आई एम पेशेंट विथ रिजल्ट कि इसको करने के बाद कितने वक्त बाद मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिलेगा उस पर मैं अपने आप को फोकस नहीं करूंगा आई विल बी इसके चलते यू विल रियलाइज गलतियां हो गई लेकिन उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं क्यों क्योंकि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको आज ही वो फिक्स करना था जीतना था यू हैव लॉन्ग वे टू गो अक्सर होता है क्योंकि मैं बहुत वक्त बताता हूं नौजवानों के साथ एंड हर एक ट्वेंटी ईयर ओल्ड को लगता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं सर जिंदगी खत्म हो गई सर <laughs> कुछ नहीं किया है अभी तक जिंदगी में लोग कितना आगे जा चुके हैं मैं बीस साल की हूं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए बीस ऐसे लोगों को पता क्या बोलता हूं मेरे को ऐसे बोलता हूँ मर गए हो क्या एग्जैक्टली लाइक हम शायद हम उम्र हैं मतलब मैं फोर्टी टू ईयर्स का हूं एंड आई के नॉट इवन बिगिन टू टेल यू हाउ यंग फोर्टी टू इज एग्रीड इतनी लंबी जिंदगी है और इतनी खूबसूरत आप जिंदगी बना सकते हैं कि द वर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि अपने अरमानों पे एक डेडलाइन डाल देना डोंट डू दैट मिस्टेक्स होंगी यू आर वेरी स्मार्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट उस एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को जो सर बोल रहे हैं उसको बटोरते रहना है और उसमें उत्सुकता होनी चाहिए क्योंकि वो अगर हो गया ना तो बिलीफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिलीफ आएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे रिजल्ट्स आएंगे सक्सेस आएगा सक्सेस आएगा तो आप भी एक दिन इस स्टेज पे बैठे होंगे एंड दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट इट मैटर लाइक like, मैं बोल सकता हूं अरे इतने सारे लोग हैं जो सर को बुला दिए वो तो 28 साल के ही हैं और देखिए वो संदीप सर के साथ बैठे हुए हैं मैं 42 में क्या ही उखाड़ लिया मैंने जिंदगी में कि मैं 40 साल की उम्र में यहाँ आया हूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना दोस्त एक जिंदगी है और मैं भी मरते हुए यही बोलूंगा कि मैंने संदीप सर के साथ स्टेज शेयर किया पच्चीस साल वाले भी यही बोलेंगे कोई फर्क नहीं होगा एवरी ऑफ लाइफ सो दैट इज वॉट आई वुड सजेस्ट एम एन एंटरप्रीनोर फ्रॉम लास्ट वन ईयर नाउ दे आर सम वेरी गुड डेज एंड सम वेरी बैड डेज एक में तो जब ऊपर चढ़ जाते हुए क्लाउड नाइन और एक में जब क्लाउड नाइन पे होते उतना ही गंदा गिरता है फिर अगले दिन अगर ना कुछ वर्क करे तो हाउ टू स्टे लेवल हेडेड ऑल दिस वाई जब भी आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को सिर्फ अपने काम पे टिका देते हैं ना देन इट्स बिकम्स टू मच टू हैंडल एंड अक्सर फाउंडर्स ऑन्टरप्रनोर्स बिजनेस पीपल मेक दिस मिस्टेक की काम ही पूरा वजूद है पर नहीं है एक आपका एक फैमिली है आपका अपनी खुद की जिंदगी है एंड यू ऑसो हैव योर वर्क तो ये जो अप्स एंड डाउन है अगर आप उसी को अपनी पूरी आइडेंटिटी अपना पूरा मेजर ऑफ सक्सेस बना देंगे देन यू विल फील इट इवन मोर देन इट एक्चुअली इज सो नंबर वन प्लीज आइडेंटिफाई की आपकी जिंदगी इससे काफी बड़ी है एंड यू हैव टू गिव इट दैट रिस्पेक्ट नंबर दो एक सपोर्ट सिस्टम रहना सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है चाहे आप ऊपर हो चाहे नीचे हो क्योंकि सपोर्ट सिस्टम क्या करता है वो आपको मेरे हिसाब से ग्राउंडेड और रियल रखता है वो दोस्त जो आपको हमेशा आपके मुंह पे सच बोल सके सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्योंकि जब आप हवा में उड़ने लगेंगे तो बोलेंगे दोस्त कुछ नहीं हुआ है ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा तूने वापस आ जा जो लोग नीचे होंगे बोलेंगे यार यू आर फार बिगर देन दिस इससे तो बहुत बहुत मुश्किल दिन देखे हुए हैं वापस आ जाएगा बट दे आर नॉट

इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रूटीन एक रोबोट है आप खड़े होंगे आप करेंगे जैसे अगर आप ये संदीप जी नहीं होते ये कोई नॉर्मल इंसान होता है ये बोलते मैं दिन में सुबह उठ के दो घंटा कुछ करता हूँ फिर दिन में बहुत सारी मीटिंग्स करता हूँ फिर शाम को आके दो घंटे और कर देता हूँ तो बोला तो यार तो बहुत ही बोरिंग इंसान है <laughs> <laughs> कुछ है ही नहीं इनकी जिंदगी में <laughs> <laughs> कुछ एक्साइटमेंट हो ना कि के मैं ये करूंगा वो करूंगा ये तो मैं दो घंटे में मैं मैं से चलो आज मैं ये गाड़ी चलाऊंगा <laughs> आज <laughs> मैं लंडन में ब्रेकफास्ट करूंगा <laughs> <laughs> ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रेकफास्ट में मेरे होता है पोहा या तो दोनों नहीं या तो पोहा या उपमा या ढोकला <laughs> या इडली या डोसा uh, या yeah. या या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जिंदगी की बोरियत बोलते हैं ना लोग एक रूटीन होना दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्योंकि वही बोरिंग चीज ना अल्टीमेटली एक सक्सेस पैदा करती है सो वेन एवर यू फील वेरी हाई वेरी लो मेक योर रूटीन योर बेस्ट फ्रेंड और वापस उस रूटीन में चले जाइए इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता धोनी मोड क्या होता है लाइक like, धोनी मोड क्या है वो जीत गया पता ही नहीं चलता वो जीत गए हम वो वैसे ही बोले हा बोले हार गए पता ही नहीं चलता हार गए वो तब भी बोले चलो 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 कोई नहीं इज लाइक जेन ना ऐसे उसको कोई चीज फर्क ही नहीं पड़ती है उसकी जिंदगी में इज दैट बिकॉज उनको अंदर से महसूस नहीं होता नहीं ही इज टू पॉइंट यार रूटीन है हर एक मैच एक रूटीन है प्रैक्टिस एक रूटीन है और उसकी वजह से तुम कभी जीतोगे कभी हारोगे लेकिन ना कभी जीत को सर पे चढ़ाना ना कभी हार को अपनी हार मानना रूटीन में बस वापस घुस जाना That's that's the only thing that has worked for for me, and and I I will be very surprised if it doesn't work for others. So, three things, and that's how I do. आप लोगों की परमिशन है देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना ये सिर्फ बिजनेस में नहीं ये लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी तो बिजनेस को आपने अपने लिए चूज किया है ना और जैसे ही आपने बिजनेस को चूज किया तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस का मतलब ही अप एंड डाउन है हाइज एंड लोज है इसी को बिजनेस बोलते हैं बिजनेस में फिक्स कुछ भी नहीं होता है डेली अप डाउन होता है वीकली अप डाउन होता है मंथली अप डाउन होता है ईयरली डाउन होता है पूरी लाइफ में यही चलता है तो अगर ये बात आपको पता है तो आपके साथ अप क्यों जाना है और डाउन के साथ डाउन क्यों होना है बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको बहुत ही अच्छी लाइफ चाहिए आपको बहुत ही स्टेबल लाइफ चाहिए अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो शादी क्यों कर रहे हो और अगर शादी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन बहुत ही अच्छा लगेगा अगला दिन बहुत ही खराब जाएगा इतना खराब जिसकी कोई हद नहीं है आप देख सकते हो मेरी शक्ल पे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो अगर ये आपको पता है तो शादी के बाद भी आप खुश रह सकते हो और अगर ये नहीं पता है और ये सोच करके शादी कर रहे हो कि मैं शादी करूंगा या करूंगी उसके बाद में तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा मेरे सारे दिन बड़े ही अच्छे होंगे लाइफ बहुत ही स्टेबल होगी अरे खाक <laughs> सर आपकी हंसी से मैं कुछ आइडिया लगा पा रहा हूँ नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैं, मतलब मैं सिर्फ मैरिड मैं राइट आई मैरिड विद टू किड्स मैं सिर्फ आपका बुरे और अच्छे दिन का ब्रेकफास्ट विजुलाइज कर रहा था बुरे दिन में क्या होता होगा और अच्छे दिन सर उसमें ब्रेक हट जाता है सिर्फ फास्ट रह जाता है <laughs> <laughs> मजा आया सबको नहीं आया थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे करके बहुत मजा आया आई थिंक हमारी ये जो एंट्रप्रीनोरशिप वाली वाइब्स है वो मैच कर गई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर कमिंग हियर Thank you so much. Bye.